हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा का जो प्रिंट स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट यूजिंग SOUT अंडरस्कोर भी कर देता हूँ। ऐसा नाम मैंने क्यों दिया है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जैसे कि मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में अपना जो स्टेटमेंट होगा वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद में रन करने के लिए मैं रन मेन, और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ऐसे जो हम इसके अंदर लिखेंगे वही हमारा बेसिकली आउटपुट होगा कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। ओके, अब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट एस इक्वल टू 100। अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी मैं डबल इन्वर्टेड कोमा करता हूँ और एस लिखता हूँ। तो मैंने जैसे आगे बताया कि डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो वही हुआ है। तो मुझे इसे प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूँ मैं सिर्फ अगर इसे निकाल देता हूँ तो अपना वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा 100। अब जैसे कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हर बार लिखना बहुत ही बोरिंग है, तो इंटेलिजे का एक फीचर है यानी कि शॉर्टकट है। तो हमें सिर्फ लिखना है SO, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, देखो नीचे आ गया है सजेशन में। अब फिर आपको सिर्फ एंटर दबाना है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, SOUT फिर एंटर, बहुत इजी है। और उसके बाद में मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा ABCD, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, देखना अब क्या होता है। तो ये इंटेलिजे का एक फीचर है कि जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो वो बीच में प्लस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब यहाँ पे मैं और कुछ लिखता हूँ जैसे कि AB कुछ भी लिख देता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये सिंगल लाइन में प्रिंट होगा कि डबल लाइन में, ये देखना है हमें। तो ये सिंगल लाइन में प्रिंट हो रहा है, यानी कि अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट्स को जोड़ना है तो आप प्लस का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बीच में मुझे अपना जो वेरिएबल है एस उसको भी प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली एक और प्लस लिख के उसके आगे एस लिख दूंगा। तो ये अपना काम हो गया, पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर एस की वैल्यू, फिर ये स्टेटमेंट। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ इसके और इसके बीच में। स्पेसेस भी आप प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि जावा उसे भी कैरेक्टर ही मानता है। देखिए 100। ओके, तो अब हम ऐसे लिखें अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर हम एलन ना भी लिखें तो भी हम स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा SHIVAM एंटर। एंटर नहीं करना था, हमें रन करना था। तो शिवम प्रिंट हो गया। तो ये एलन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एलन का मतलब क्या है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे SOUT दबा के एंटर मारता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली जगह छूट गई है, यानी कि एक लाइन छूट गई है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि प्रिंट लाइन, एक लाइन ये प्रिंट कर देगा। ओके, अगर मैं ये ln हटा दूँ तो मुझे एरर आएगी, क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है लेकिन कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया है। देखिए एरर आ गई, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो रन ही नहीं होगा। देखिए, तो जब भी हमें लाइन छोड़नी हो तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करेंगे। देखिए, अपना आउटपुट आ गया। और लाइन छोड़ने का एक और भी तरीका है, आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में जाना है और वहाँ पे लिखना है बैकवर्ड स्लैश एन और फिर रन करना है, तो यही आउटपुट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर नीचे वापस पेस्ट करता हूँ तो वो वापस एक लाइन छोड़ देगा। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं इसे हटा दूं और फ्रेम रीड कर दूं तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। देखिए, एक ही लाइन में शिवम शिवम दो बार प्रिंट हो गया। तो अगर मुझे एक लाइन छोड़नी है तो मुझे दो बार स्लैश एन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो प्रिंट एलन स्टेटमेंट है वो पहले से ही एक सिलेशन कैरेक्टर के साथ में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ समझ में आ चुका होगा, और शॉर्टकट को ज़रूर याद रखना, SOUT। ओके।